अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फुल डे बिज़ी रूटीन, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का वक्त है और मैं आ गई हूं किचन में, और ये हमारी किचन की बाहर विंडो से देख रही हूं मैं, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट अपने बेटे के लिए, और साथ वो अपना लंच भी लेकर जाएगा। तो यहाँ मैं चाय रखती एक तरफ, और अंडा बनाऊँगी उसके लिए, और पराठा बनाऊँगी जो वो घर से थोड़ा बहुत नाश्ता करके जाता है, और कुछ जो साथ लेकर जाता है अपना टिफ़िन, तो साथ में उसका टिफ़िन तैयार करूँगी मैं। टिफ़िन में मैं उसको बना के दे रही हूँ ब्रेड और सलामी, जो मैं जो ना ब्रेड को हल्का सा ऑयल लगा के उसको हल्का सा उसको सेक लिया है मैंने तवे पे, और सलामी जो है वो भी मैंने हल्का सा ऑयल लगा के उसको अच्छे तरीके से हल्का सा कुक कर लूँगी। और यहाँ चाय में मैं डाल रही हूँ दूध, और चाय तैयार हो रही है हमारी। ये जो सलामी है ये चिकन की है, तो ये बहुत मज़ेदार लगती है, तो ये पसंद करते हैं बच्चे घर में भी, अक्सर बना के कहते हैं कि दे दे हमें। ये मैं बाज़ार से लेकर आई थी, तो इसे मैं फ्राई लाजमी करती हूँ ऑयल लगा के। ब्रेड और सलामी इसकी तैयार हो चुकी है, तो साथ में मैं उसको ऑरेंज दूंगी, और साथ में मैं जो हूँ एप्पल काट के दे दूंगी, क्योंकि फ्रूट वग़ैरह साथ में ज़रूर देती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि वो घर से अगर थोड़ा बहुत खा कर जाए ना, नाश्ता वगैरह कर जाए, तो फिर स्कूल में कभी नहीं भी खाता, तो फिर फ्रूट वगैरह ज़रूर खा लेता है वो ना बेटा मेरा, तो ये कि फिर साथ में फ्रूट लाजमी मैं उसको देती हूँ। नाश्ता यहाँ पे तैयार हो चुका है, और उसका साथ लेके जाने का टिफ़िन भी मैंने तैयार कर दिया है। तो अंडा यहाँ पे मैं बना रही हूँ, अंडे के अंदर मैंने नमक मिर्ची डाली हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली है चुटकी के बराबर, तो ये फ्राई अंडा नहीं खाते बस ऑमलेट खाते हैं, तो यही बस मैं उसको सुबह में देती हूँ, कभी तो खा के चला जाता है, कभी नहीं भी खाते, दूध का कप और बॉयल अंडा वगैरह खा के चला जाता है। ये हो रहा है अभी इस वक्त 7:45 का टाइम, तो अब मैं जो बाकी के घर वाले हैं सबके लिए अब मैं नाश्ता बनाऊँगी। हस्बैंड के कज़न आए हुए हैं, तो बस सबके लिए अब मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। एक प्याज लिया है, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और हरी मिर्चें ली हैं, ये तीखी नहीं है, बहुत लाइट सी ऑमलेट के लिए होती हैं, और हरा धनिया थोड़ा सा जो है ना वो कट कर लूँगी, तो ये सब चीज़ें जो है ना बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, और फिर ऑमलेट तैयार करेंगे। एक पैन में मैंने ऑयल डाला है, और यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा एक चम्मच के बराबर दूध शामिल किया है, और इसके अंदर मैं नमक मिर्च और हल्दी और प्याज और जो मैंने चीज़ें हरा धनिया और ऑमलेट वाली मिर्चें काट के रखी हैं वो सब इसके अंदर शामिल करूँगी, साथ में अंडे शामिल करूँगी, और फिर मैं जो है ना ऑमलेट बनाऊँगी। मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर 4 अंडे शामिल कर लेंगे, और ये मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा ऑमलेट के लिए। पैन में ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर ये मिक्सचर सारा हम अच्छे तरीके से फैला देंगे, और इसको ना बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो एक साइड पे मैं बना रही हूँ अभी पराठे, और चाय भी मेरी जो है ना वो तैयार हो चुकी है, और साथ में ऑमलेट जो है वो मैंने लो फ्लेम पे रखे हुए हैं, वो ऐसा ऐसा पकते रहेंगे जब तक पराठे भी तैयार हो जाएंगे। ये जो मैं ऑमलेट अंडा बनाती हूँ ना प्याज़ों वाला जो भी बना रही हूँ, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। जिस दिन छुट्टी होती है ना हफ्ता इतवार की, तो घर पर होते हैं बच्चे, तो वो फिर फरमाइश करते हैं कि मम्मा आप वो बनाएं प्याज़ों वाला जो आप ऑमलेट बनाती हैं ना वो वाला बनाएं।
ऑमलेट जो है उसको दरमियान में से मैं कट कर लूँगी। आप चाहें तो जिस शेप में इसको कटिंग कर लें, और ये बहुत मज़ेदार बनता है। अगर आपने जो देख रहे हैं, अगर किसी ने ये ट्राई नहीं किया तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट बनता है। ऑमलेट को मैं मज़ीद और कट करके इसको बिल्कुल छोटे पीसेस बना लूँगी। इसके दरमियान में से कट लगा दिए मैंने। ऑमलेट जो है वो मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, उसके बाद फिर डाइनिंग टेबल पे नाश्ता लगाऊँगी, तो उसके बाद बाकी का काम करेंगे। फिर मैं आपको सेवइयां जो बनाते हैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ मैं निकाल रही हूँ अचार, आम का अचार, और ये अहमद का अचार है जो हम लोगों को तो बहुत पसंद है। और मिक्स अचार इसलिए नहीं लेकर आते क्योंकि बाकी का अचार फिर ऐसे पड़ा रहता है, रखा रहता है, वो कोई खाता नहीं है, तो आम का अचार ही खाते हैं सब। तो अब मैं जो ना आम का अचार ही लेकर आना शुरू कर दिया घर पे। तो चाय वगैरह डाल ली, अब नाश्ता वगैरह लगा दूँगी मैं टेबल पे। अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने ऑमलेट का एक पीस लिया है और साथ में मैं ले रही हूँ अचार। और यकीन करें मुझे ये नाश्ता इतना पसंद है, यानी ऑमलेट प्याज़ों वाला और साथ में अचार और चाय का एक कप। चाय हम सब जो है ना वो साथ ही लेते हैं नाश्ते के, नाश्ते के बाद कोई भी नहीं पीता हमारे घर में चाय। यहाँ मैं लगाऊंगी मोप पोछा वगैरह, तो उसके लिए मैं ये बोतल में डिटोल डाल रही हूँ, और ये बॉडन साफ़ करने के लिए लिक्विड है ये वाला, इसमें ऐड करूँगी मैं। डिटोल लास्ट में घर में यूज़ करती हूँ पोछे के लिए, क्योंकि फिर जो जरासीम वगैरह भी होते हैं ना, तो उससे फिर ये कि अच्छे तरीके से वो ठीक रहता है, घर साफ़ सुथरा रहता है। झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था स्टॉप जोगा वगैरह, तो अब यहाँ पर मैं इससे अच्छे तरीके से मॉप लगा लूँगी, और घर की सफाई वगैरह करने के बाद जो फिर अगला काम करेंगे हम, खाने का, दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो मैं वॉश बेसन साफ़ करने के लिए लिक्विड अभी यूज़ करूँगी, उससे WC भी बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है और बाथ टब भी बहुत अच्छा साफ़ होता है और वॉश बेसन भी। तो जो नलके वगैरह ना टूटियाँ इस ये भी उससे बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है, शाइन आ जाती है जो वॉश बेसन वगैरह ने, बहुत अच्छी से शाइन आती है। इसका नाम है ब्रेफ पावर, तो इसके ऊपर की साइड पे लिखा होता है क्राफ्ट फॉर्मेल, तो ये बहुत ज़बरदस्त बेस्ट है। ये जो चीज़ें मैं पर्सनली तौर पे ख़ुद यूज़ करती हूँ वही मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप ये यूज़ करें, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। किचन में भी जो मैं यूज़ करती हूँ लिक्विड वगैरह, और जो बाथरूम वगैरह के लिए यूज़ होते हैं वो भी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और इससे ये कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस जल्दी से साफ़ हो जाती हैं ये ना। तो उम्मीद है आपको मेरी जो मैं चीज़ें बताती हूँ आपको पसंद भी आती होंगी, तो आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा जो नाम मैंने आपको बताए हैं चीज़ों के, किचन की भी बताई हैं जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, तो अभी भी मैंने बाथरूम की बताई है। अच्छा, जिस लिक्विड के साथ ये मैं वॉश बेसन साफ़ कर रही हूँ, इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि इसकी स्मेल जो है ना वो ऐसी नहीं है कि बुरी लगे, मतलब ठीक है, अच्छी है। और साथ में ये बेस्ट चीज़ ये है इसकी कि ये नीट एंड क्लीन कर देता है, शाइन आ जाती है। तो और वॉशरूम में, बाथरूम के अंदर बहुत अच्छा मतलब रहता है कि स्मेल वगैरह नहीं आती इससे साफ़ करने के लिए। बाथरूम में जो बाथटब है उसका पर्दा जो है वो मैंने चेंज किया है ग्रीन पत्तों वाला वाइट कलर में, तो बहुत ज़बरदस्त था। ये देखें बाथरूम हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया, नीट एंड क्लीन। तो मैं फेस वॉश का बता रही थी आपको कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, तो ये मैं
लावेरा का जोजोबा का ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे कलर भी फेयर होता है इसे। और ये एलोवेरा का है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी और नॉर्मल स्किन के लिए भी, और ये DM से मिलेगा, ये दो होते हैं इसमें, ये आप पढ़ के आप वहाँ से ले सकते हैं। कौन सी वाली दूँ, ये वाली? दोनों देता हूँ आपको, सही है, ये लो, ये वाली भी ले लो। जज़ाकअल्लाह बोलो। ये जो क्लिप है ये एक दिन पहले का है, हमारे कज़न आए हुए हैं ना, तो वो कल ही आए थे, तो बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेकर आए थे। यहाँ पर खाना भी मेरा तैयार हो चुका है, अब मैं बिरयानी को लगा रही हूँ दम। बिरयानी की रेसिपीज़ मैंने बहुत बार अपने चैनल पे दी हुई हैं इनकी वीडियोज़, तो मैंने कहा बार बार फिर क्या एक हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी तंग पड़ जाएंगे, तो फिर मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, जो मैंने कहा था कि मैं आपको ज़रूर इसकी रेसिपी दूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे बटर लिया है, दो इलायचियाँ ली हैं, और ये वाली सेवइयाँ जो है इनको पैकेट के अंदर ही इसको हम अच्छे तरीके से तोड़ लेंगे। तो बटर और इलायची जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुके हैं, तो इसके अंदर अब हम ये सेवइयाँ ऐड कर देंगे। ये रोस्टेड सेवइयाँ हैं, तो इनको एक दो मिनट के लिए अच्छे तरीके से हम इसको इसमें रोस्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चीनी हाफ़ कप, तो मैं तो अंदाजे के अंदर अंदाजे से इसमें डाल रही हूँ, तो आप जो है हाफ़ कप डालिएगा, एक पैकेट में हाफ़ कप बिल्कुल ठीक है। तो और साथ ही इसके साथ अब मैं एक कप पानी का शामिल करूँगी। एक कप पानी शामिल करने के बाद अब इसके अंदर जो हमने पिस्ता, बादाम और मेवा और खोपरा वगैरह काटा है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। आपको जो भी मेवे पसंद हो वो इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास बादाम नहीं थे तो मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया है, मेवा लिया है और साथ में खोपरा लिया है, यहाँ पे कोकोनट्स होता है। आधा जो है मैंने डाल दिया है सेवइयों के अंदर, तो आधे जो है ना वो मैंने रख लिए हैं ताकि जब डिश में निकालूंगी तो फिर गार्निश कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं, तो इसके इसको मैं डिश आउट करूँगी और फिर जो बाकी की जो हमने कट करके रखी हैं मेवा वगैरह और पिस्ता और खोपरा वगैरह, वो इस पे हम गार्निश कर देंगे। और यकीन करें बटर के अंदर ये सेवइयाँ इतनी मज़ेदार बनती हैं, और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं, बड़े तो खाते हैं बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, तो कभी ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मीठे में मैंने सेवइयाँ बना ली और साथ बिरयानी, सलाद और रायता वगैरह। तो खाना मैंने टेबल पे लगा दिया, अब हम खाना खाएंगे। यहाँ मैंने बनाई है शाम की चाय, और ठंड बहुत ज़्यादा है, और चाय जो है वो मैं लेकर अपनी गैलरी में आ गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा है और साथ में चाय हो तो फिर क्या ही बात है। बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी, और चाय को जो है मैं अपनी गैलरी में जो है एंजॉय कर रही हूँ, पी रही हूँ, और इतना प्यारा मौसम हुआ है, हल्की हल्की बारिश और साथ में सर्दी और चाय का एक कप हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, चाय मेरी ठंडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन गर्म नहीं रही, तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकूँगी, फिर मैं वापस जाऊँगी रूम में। रात का खाना हम सब ने खा लिया है, तो अब मैं किचन समेट रही हूँ, और जो बर्तन वगैरह हैं वो मैं बर्तन धोने की मशीन में लगाऊंगी, और जो बाकी के थोड़े बहुत पतीले और देगचियाँ वगैरह जो होंगी वो फिर मैं हाथ से धो लूँगी, तो इसमें जितने बर्तन आते हैं वो सब इसमें लगाऊंगी। बर्तन जो हैं वो दोपहर के भी और रात के खाने के भी और शाम की चाय के भी हैं, तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो जब मेहमान आए होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन धोने वाले ना, वरना मैं काम करने के साथ साथ ही बर्तन जो है ना हाथ से ही धो लेती हूँ अक्सर, तो कभी ऐसा होता है कि फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाए ना, फिर मुझे मशीन ही लगानी होती है, लेकिन क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है ना, तो थोड़ा सा ही
बर्तन होते हैं तो फिर हाथ के हाथ ही धुल जाते हैं। तो यहाँ मेरी मशीन जो है ना फुल भर चुकी है बर्तनों के साथ, तो अब मुझे समझ भी नहीं आ रही कौन सा बर्तन कहाँ रखूँ। तो खैर अब ये बर्तन धुल जाएंगे तो फिर ये के थोड़ा सुकून आ जाएगा ना, बर्तन धुल जा सुबह के टाइम सब बर्तन धुले हुए हों तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि सब चीज़ें जो हैं अपनी अपनी जगह पे मौजूद होती हैं, हमें लेने में इस्तेमाल करने में आसानी हो जाती है। बर्तन धोने के जो बाहर का दरवाज़ा है ना इसका, वो हमने लगवाना है अभी, वो अलग से ख़रीदना पड़ेगा हम लोगों को। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता किचन को सेट करेंगे हम, बस इतना ज़्यादा हमने अभी सेट नहीं किया किचन, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना अभी हमने किचन की जो है सेट करनी है। अब मशीन के अंदर जो मैं लगा रही हूँ जो वॉश करने की जो टिक्कियाँ होती हैं ना बर्तन धोने की, वो लगा कर तो इसको मैं ऑन कर दूँगी। तो यहाँ पर जी बाकी के जो बर्तन हैं वो मैं हाथ से धो लूँगी, बड़े पतीले हैं। मशीन जो है वो फुल हो चुकी थी तो ये दो चार जो है ना बर्तन वगैरह हैं वो मैं हाथ से ही धोऊँगी, कप वगैरह भी हैं। तो बड़े पतीले तो जो है वो मैं हाथ से ही फिर ना हाथ के हाथ धो लेती होती हूँ। तो ये कि फिर अब ये धुल जाएंगे और साथ में जो एक दो कप जो हैं वो मशीन में नहीं लग पाए क्योंकि उसमें जगह नहीं थी ना, तो वो भी साथ ही इसके फिर मैं धो लूँगी। अब बर्तन धोने के लिए जो लिक्विड मैं यूज़ कर रही हूँ वो फेरी है इसका नाम, तो ये मैं एप्पल फ्लेवर में यूज़ करती हूँ। और मैं मार्केट गई थी तो मुझे ये ना एप्पल फ्लेवर में मिली नहीं, फिर मैंने लेमन में ले ली। ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेमन में यूज़ कर रही हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मतलब ज़बरदस्त लग रही है ये मुझे। तो अगर ना इसका मुझे ये बहुत अच्छी लगती है इस वजह से क्योंकि अगर आपने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए ना, उस इसके बगैर भी अगर आप हाथ धो बर्तन धो रहे हैं तो आपके हाथ ख़राब नहीं होते इससे। वरना अक्सर एक दो और भी लिक्विड है, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो उस एक दो बार मैं वो ले आई थी तो उससे भी मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे ना। तो अब जो है ना मैं यही यूज़ करती हूँ फेरी, जो एप्पल फ्लेवर में हो या फिर लेमन में हो। तो लेमन वाली मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, वैसे मैं एप्पल की यूज़ करती हूँ तो ये बहुत ज़बरदस्त है, बर्तन भी अच्छे तरीके से साफ़ करती है। सिंक भी जो है वो साफ़ हो चुका है अच्छे तरीके से, मैंने साफ़ कर लिया, बर्तन भी धुल गए हैं और किचन भी मेरा जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। किचन जो है वो मैंने अच्छे तरीके से देखें साफ़ कर लिया है, और मेरी ये रोज़ की रूटीन है कि मैं किचन को रात में साफ़ करके अच्छे तरीके से सोती हूँ, क्योंकि मैं जब सुबह में उठती हूँ और आके नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तो फिर किचन साफ़ होता है, तो मैं बहुत ही मुझे अच्छा लगता है अपना किचन साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, यहाँ पर डस्टबिन था तो वो मैंने हटा दिया, यहाँ पर मैंने आलू प्याज वगैरह रख दिए हैं, लहसुन वगैरह। तो किचन में अभी काफ़ी सारा हमारा काम होने वाला है, सेट होने वाला है, तो बस किचन ही रह गया है हमारा, थोड़ा सा काम होगा इसके अंदर तो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और लॉन्ड्री का जो है कपड़े धोने का, जो वो भी मैंने यहीं पर रख दिया था क्योंकि मशीन कपड़े धोने की भी किचन के अंदर ही है ना इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके हैं तो मैं यहाँ से सारे बर्तन निकाल लूँगी अब। तो मेरे सोने से पहले पहले ही मशीन जो है ऑफ़ हो गई थी, यानी कि बर्तन धुल चुके थे, तो फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं ये काम भी रात में करके फिर ही मैं सोऊं। सारे बर्तन जो है वो मैं यहाँ पे निकाल लिए हैं और मैं साथ साथ जो है अपने कैबिनेट्स में, किचन के कैबिनेट्स में रखती जा रही हूँ, प्लेटें चम्मच वगैरह सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर इनको रख दूँगी अभी मैं।
डेली रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं इस तरह की वीडियो बनाया करूँ, अगर या फिर जो है बिल्कुल सिर्फ रेसिपीज़ ही बताया करूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। और यहाँ पे चाहूँगी जी मैं आपसे इजाज़त, अगर व्लॉग पसंद आया हो, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।